गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का स्टूडेंट्स का क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ। आज अब मैं आप सबको चैप्टर फर्स्ट जो अपनी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है सेट्स। ओके, तो सेट्स के बारे में हम लोग ने कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी उसके बारे में, उसी के बारे में हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सेट्स के बारे में हम लोग ये जानते थे कि किसी भी सेट्स की डेफिनेशन भी लिखी थी, और हम लोग ने ये देखा कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ना, कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि वो दिए गए एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि अगर सेट्स जो हमें, अगर हम लोग ने, मैंने कल लिखा था वो ये, आप लोग भी लिख लेंगे इस डेफिनेशन को। सेट्स क्या है? It is a collection of all well defined objects. Okay, yeah, it is a collection of all well defined objects. इसमें खास बात यह है, ये जो वर्ड लिखा है ना वेल डिफाइंड, इसमें मेन रोल इसी का है। वेल डिफाइंड यानी कि आपने कोई एक बहुत बेहतरीन तरीका, एक प्री डिफाइंड कंडीशन सेट की है कि कोई भी एलिमेंट जिस इस सेट में हुआ तभी आएगा जब वो एक दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि आप ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज नेम स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लेटर ए, तो आपके आप उन्हीं स्टूडेंट्स को लोगे जिनके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर जो है ए से शुरू होता हो, है ना। अदरवाइज आप उसको उस सेट में कंसिडर नहीं करोगे। ओके, अदरवाइज आप उसको उस सेट में कंसिडर नहीं करोगे। तो यही है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल planets of our solar system, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स सैटर्न जुपिटर नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, एंड यूरेनस, एक छूट गया ना, यूरेनस। तो ये है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। लेकिन आप कोई और प्लैनेट का नाम अगर ले लोगे जो इस हमारे, और भी अगर प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में। हेलो श्रुति, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, तो हमारा सेट्स डिफाइन होने के लिए वेल डिफाइंड की कंडीशन बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड ही मेन वर्ड है इसमें, ये वर्ड ही डिसाइड करता है कि कोई सेट कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम की बात की, तो ये जो ऑल प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ये ही है हमारा वेल डिफाइंड, ठीक है ना, यही है वेल डिफाइंड। तो इससे ये सेट होता है। इस तरह समझिए कि जो भी काम आप करेंगे ना, आप एक बार, आपने आज तक जितनी भी कैलकुलेशन किए उन सब में एक खास बात थी जो आपने अभी तक नोटिस नहीं की, वो ये कि आप हर बार एलिमेंट्स कहीं से उठाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स में मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द एवरेज ऑफ हाइट इन योर क्लास, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो आप अपने क्लास के ही स्टूडेंट्स को स्टडी करोगे, बाहर के किसी भी स्टूडेंट को उसमें नहीं लोगे, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन हो गई जिससे आपका दायरा सेट हो गया कि आप अपने क्लास के बाहर नहीं जा सकते, यही वो कंडीशन है जिसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कंडीशन, ठीक है ना। अब सेट्स जो है, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो है दो तरीके से होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस डेफिनेशन को आप लिख लेंगे कॉपी में,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को बताने से पहले कुछ एक दो सिंबल्स हैं जिसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आप लोग को। देखिए, आप सेट ऑफ जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है ना, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, उन सबको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है इसलिए, ठीक है ना। ये क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसके बाद देखिए, सेट एन के बाद आप लिख सकते हैं जेड, ओके, नेचुरल नंबर को एन से, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ओके। ये सब नोटेशन ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ये चैप्टर लैंग्वेज पे है ना, तो क्यों नहीं हम लोग क्या है लैंग्वेज को बहुत लेंदी नहीं करेंगे। हमें लिखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग डायरेक्टली सिंबल लिख देंगे, ना कि पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट में काम करेंगे। तो नेचुरल नंबर का नोटेशन ये है, इंटीजर का ये है। इंटीजर में देखिए, नेचुरल नंबर को एन से शुरू करते क्योंकि एन से, लेकिन यहाँ इंटीजर आई से क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि ये जो है कि जर्मन वर्ड है जेहलन, जेड ए एच एल ई एन, है ना, इससे लिया गया है। इस जेहलन का मतलब होता है टू काउंट, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे लिया गया है ये, ठीक है ना, ये जर्मन वर्ड है, उसका जेड लिया गया है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्यू क्या लिखा है, ठीक है ना, क्यू क्या है, सेट ऑफ, सही आ रहा है मेरे को, सही, सेट ऑफ ऑल, हमारी तो पता है कैसी होती है, हमारी तो एकदम ब्लैक बोर्ड है और उन्हें कई सारे बच्चे और फिर बीच में भूल दो जो भूल दो, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म के होते हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर सारे के सारे जो है पी बाय क्यू के फॉर्म के होते हैं। इसके बाद आता है आर, आर के लिए मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आर बना के इसके बगल में ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये क्या डिनोट करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर, आपकी बुक में दिया है ये सब ऐसे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, ये हो गया नेचुरल नंबर इंटीजर एंड ये, अब देख लीजिए, हाँ, अब इसमें देखिए इंटीजर्स है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, जब आपका z प्लस दिया रहे, z प्लस, ठीक है ना, इसी z के ऊपर, तो सेट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसी तरह जब q डैश दिया रहे, सॉरी q के ऊपर प्लस दिया रहे, तो ये भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब देखिए, पॉजिटिव की जब बात की जाए तो क्या जीरो आएगा क्यू प्लस में या जेड प्लस, पहले देखते जेड प्लस में क्या जीरो आएगा, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर, कोई सा भी नहीं है, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर की बात बोला, तो जीरो के बाद आने वाले सभी नंबर्स को लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जीरो लेना है कि नहीं। एंड लास्ट है आर प्लस, आर प्लस में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो के बाद आने वाले सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स को लेंगे, ठीक है ना। एक और नोटेशन होता है जो आपके बुक में नहीं दिया है, पर मैं बता रहा हूँ, क्यू डैश, है ना, इस क्यू डैश को बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। ये क्यू डैश किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर को, सेट ऑफ इरैशनल नंबर को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नोटेशन अभी तक बताया सेट्स के लिए, जो सेट आप लोग आज तक पढ़ते आए, अब देखिए इसके बारे में एक दो सिंबल्स और है जो आपको जानने चाहिए ताकि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ सके। दूसरे सिंबल्स है, एक होता है ये सिंबल ई के जैसा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, ई पी, जस्ट अ सेकंड, ई पी एस आई
एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस सिंबल का मतलब हम लोग बिलोंग्स टू करेंगे, क्या करेंगे, बिलोंग्स टू, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये बिलोंग्स टू लेंगे। अब बिलोंग्स टू लेंगे तो ये काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने लिया, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया और देखा क्या, एक बात बताइए क्या फोर नेचुरल नंबर है, हाँ है, तो फोर बिलोंग करेगा एन में, ठीक है ना। लेकिन क्या माइनस टू नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो माइनस टू बिलोंग नहीं करेगा, तो बिलोंग को कट कर देंगे, जैसे इक्वल होता था तो नॉट इक्वल के लिए कट करते थे वैसे ही, और ये हो गया इसका नोटेशन और ये कट हो गया, तो ये हो गया माइनस टू नॉट बिलोंग्स टू एन, समझ में आ रहा है। पलक, हर्षित, श्रुति, यस सर, हाँ यस सर, यस सर, हाँ, तो यहाँ ये बिलोंग का सिंबल है, ये नॉट बिलोंग, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, फोर बिलोंग्स टू एन बट माइनस टू नॉट बिलोंग्स टू एन, इसका ध्यान रखिएगा। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी हैं, जैसे वन बाई टू बिलोंग्स टू, वन बाई टू बिलोंग्स टू क्यू बट वन बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, इंटीजर, वन बाई टू इंटीजर तो नहीं है, इसी तरह। तो ये बिलोंग का सिंबल था, बेसिक बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ये थोड़ी छोटी मोटी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए। तो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे चलते हैं, ठीक है ना, अब आप रेडी हैं इस चीज को जानने के लिए। तो हमारा अब जो टास्क है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इस पे देखिए ये दो तरीके से होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, एक होता है रोस्टर फॉर्म, ओके, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कभी भी मैथ्स में आप जो भी टॉपिक पढ़ें एंड आपको जो वर्ड्स दिए रहें और आपको उस टॉपिक के पढ़ने के बाद उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, यानी कि जो चीज़ जो वर्ड्स लिखे हैं आप उस टॉपिक को पढ़ तो लिए फिर भी लग रहा है कि इसका नाम इस टॉपिक से अलग है, तो यानी कि आपने उस टॉपिक को गलत समझा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिस नाम से, जिस तरह से नाम दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेशन भी होता है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म एक एक करके देखते हैं। तो पहले रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग का जो सेट होता है ना उसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स को डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा दे दे के। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये डिनोट कर रहा हूँ सेट को, ये किसको डिनोट कर रहा है, सेट को, कौन से सेट ऑफ वॉवेल्स के, तो वॉवेल्स में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मैं लिखने जा रहा हूं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देते हुए। तो ये देखिए ये हो गया, आप वॉवेल्स के सेट को कैपिटल वी से या आप अपनी चॉइस से ए बी सी डी कैपिटल लेटर से ही, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर, सेट डिनोटेड बाय, सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ये बहुत ध्यान रखिएगा ताकि आप पहचान पाए। जबकि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर हो सकते हैं, स्मॉल लेटर, या फिर वो सारे के सारे कोई नंबर्स हो सकते हैं या जस्ट कोई ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हो सकते हैं, इस तरह समझ के रखिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जब उसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना हो, रोस्टर फॉर्म में, तो हम लोग सेट का कैपिटल लेटर लिखेंगे और उसमें आ रहे सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देते हुए जितने आ रहे हैं लिख देंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, जो अगर आपने बुक ले ली है तो उसमें पेज नंबर 3 के 3 पर नोट्स लिखे हैं दो ठो, ठीक है ना। इन अ रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट इज लिस्टेड इज इमेटीरियल, यानी कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स मैंने ए आई ओ यू लिखा, अगर मैं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स को ऐसे लिख देता E-I-O-U-A, क्या ये सेट गलत है, नहीं, ये भी सेट भी है, ये भी
वही चीज है, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, कोई चेंज नहीं है, मतलब ऑर्डर में आगे पीछे करने से सेट नहीं बदलता, ठीक है ना। एक एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये वर्ड देखिए, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, है ना। अब मैं कहूं फाइंड द रूसर फॉर्म ऑफ द ऑल द लेटर्स यूज इन दिस वर्ड, ठीक है ना, फाइंड द ऑल द लेटर्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स यूज इन द वर्ड एलिफेंट। ओके, तो अब इसका जो सेट बनेगा उसको मैं मान लीजिए डिनोट किया किसी सिंबल से, मान लीजिए ए से डिनोट कर दिया, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं सेट को, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, ई एल, फिर से ई आ रहा है ना। तो देखिए हमेशा एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी सेट में कोई एलिमेंट अगर दिए गए कंडीशंस में कोई चीजें बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं। यानी कि ई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो अब हम दोबारा ई नहीं लिखेंगे, ये ई अकेला इन दोनों ई को रिप्रेजेंट करेगा। हमें तो यही बोला ना, व्हाट आर द लेटर्स विच आर यूज इन द रिप्रेजेंटेशन इन द वर्ड एलिफेंट। सो द लेटर्स आर ई एल पी, ई एल पी एंड एच ए एन टी। ओके, कोई डाउट यहां तक स्टूडेंट्स? नो नो सर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा सेट के अंदर, ठीक है ना। इसी तरह आई एक एग्जांपल और आपका नोट में दिया है, उसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो सेट, व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज द राइटिंग द ऑल द एलिमेंट्स बाई बिटवीन दैम बाई अ कॉमा एंड इंक्लोजिंग दैम इन अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, बस यही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट का देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ऐसी बात लिख देते जिससे सेट अपने आप बनने लगे। हम लोग को सेट बनाना नहीं है, हम लोग को उसको ऐसे वर्ड्स में लिख देना है जो उसको उस सेट को बना सके, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि पहले हम वही सेट को डिनोट करते हैं किससे, ए बी सी डी को कैपिटल लेटर से। तो मान लीजिए ए से डिनोट किया, किसके बराबर होगा, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, लेकिन अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे उस सेट के, इस बार हम सिर्फ एक एलिमेंट लिखेंगे, वो है एक्स। जैसे कि आप लोगों को अगर याद हो, अगर मैं एक ये क्या बोलते हैं, ये लिखा, एक लाइन का इक्वेशन लिख दिया, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये एक लाइन का इक्वेशन आप लोग को पता है कि नहीं? हेलो हर्षित। यस सर। हाँ, ये लाइन का इक्वेशन है। यस सर। हाँ, फिर से एक और देख लो, तुम लोग को इस टाइप का कुछ याद हो अगर, तो हम लोग पैरेलल लाइंस वगैरह देख रहे थे तो इस टाइप के y is equal to ax plus b के टाइप का इक्वेशन होता था, है ना, याद हो अगर तो। इसमें मान लीजिए a और b की वैल्यू दे दिया, y is equal to 2x plus 3। अब बताइए क्या इसमें आप x की एक ही वैल्यू डाल सकते हैं? नहीं ना, कोई भी वैल्यू x की डालेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y मिलता जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है, यानी कि ये अकेला x हर उन वैल्यूज को डिनोट कर रहा है जो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ है ये वाला x, किसी सेट में इस एलिमेंट x को लिखना, यानी कि इस सेट में आ रहे सभी एलिमेंट को ये डिनोट करने की काबिलियत रखता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप x वैल्यू कहाँ से डालते थे, रियल नंबर में से, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से x की वैल्यू डालोगे ना, तो वो कंडीशन लिखने पड़ेगी। तो जो हम लोग की सेट की डेफिनेशन है
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो वो वेल डिफाइंड कंडीशन को ही लिख देंगी कि एक्स कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे जो कि इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग कॉलन लगाते हैं, ठीक है ना, कॉलन लगाते हैं और फिर इसमें लिखते हैं एक्स इज सच दैट एक्स एक्स इज नेचुरल नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, ठीक है ना। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा है? तो ये सेट ए है कैसा, अगर आप रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, एट आएगा, एंड सो ऑन, हर वो नंबर जो टू से डिवाइड हो सकता है। लेकिन मैं इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, लेकिन क्या इन सब में क्या कॉमन है, क्या खास है, क्या वेल डिफाइंड कंडीशन है? वो वेल डिफाइंड कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे नंबर टू से डिवाइड होते हैं। तो ए इज सच दैट x is a natural number, x क्या है, सारे के सारे natural number हैं, और क्या खास है, सारे के सारे number divisible by 2 हैं। तो ये हो गया इसका set builder form। set builder form में एक general element लिखते हैं, फिर colon लगा के उस general element में one and well defined condition को लिख देते हैं। clear है यहाँ तक आप लोग को? yes sir। ठीक है, तो अब हम लोग इस chapter के कुछ examples देखते हैं छोटे मोटे, और ये ध्यान रखिएगा कि दो तरीके होते हैं। हम लोग इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे है कि दी गए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर दिया है रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर दिया है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, बेसिक है, इजी भी है। इसमें बस ये वेल डिफाइंड वर्ड है ना, सबसे मेन वर्ड यही है, ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिएगा इसमें कैसे करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मैं एग्जांपल नंबर टू बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर वन आप लोग खुद देखेंगे। एग्जांपल नंबर टू देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर टू में दिया है राइट द सेट सेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म राइट द सेट x such that x such that x x किस टाइप का है, x is a positive integer and x square is less than 40। ये देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा जिसे डाउट है? चलिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है, तो इसका रोस्टर फॉर्म देखिए, इसका रोस्टर फॉर्म में इसको किसी एक सेट ए से डिनोट कर दीजिए। ए इज इक्वल टू पहले कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, देखिए पॉजिटिव इंटीजर हो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 40 तक, इन्हीं में से 39 तक इन्हीं में से कोई आ सकता है। लेकिन ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर 40 से लेस आता है, यानी कि 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 क्या लेस देन है 40, हाँ है, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का करते ही 49 हो जाएगा, जो उससे एक्सीड कर जाएगा। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो, स्टूडेंट्स रिप्लाई देते रहिए।